नमस्कार, स्वागत है। मैं पंकज रिपोर्टर, मैं डीएम साहब के गेट के पास। एक महिला है, बच्चों के साथ आई हुई है। क्या महिला के अंदर दर्द है? इनके पति गए थे कमाने, जो है वो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, जौनपुर में दुबई गए थे कमाने। क्या लगता है दुबई में कैसे फंस गए हैं, इससे बात करते क्या लगता, कैसे हो कि आपके पति क्या हुआ था? कमाने के लिए आए ना, किसी तरह से कैसे भी फंस गए ये भी हमको ना मालूम है। खाली यही खबर दी है कि हम थोड़ा दिक्कत में हुए, बीमार हो गए हैं, फंस गए हैं, हमको जल्दी बुला लीजिए इंडिया, इसलिए मैं यही बोल करके आए। क्या अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ? डीएम साहब से बातचीत हुई थी, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, उनको बात किया तो पर ठीक है, अब एप्लीकेशन फिर देंगे एप्लीकेशन बनाने के बाद उसी बात करेंगे। ये बताइए, आपका परिवार जो है इतनी दुखी स्थिति में है और आपके पति ने, पति नहीं है, पति वहाँ पे कमाने गए हैं, दो रोटी के लिए, कमाने के लिए, पेट के लिए वो चले गए हैं वहाँ पे, तो क्या लगता है कि सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे पति की जितना जल्दी उतना जल्दी बुला दें, हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत करते क्या उनको बुलाएंगे, वो दर्द जो है हमारे बच्चे रोते हैं, बहुत करते मम्मी पापा कब आएंगे, पापा का बच्चे लोग को क्या बताए, जो हमारे पति है वही बाहर है कमाने खाने को, वही फंस गया, मैं किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे बच्चों को खिलाऊ खिलाऊंगी। हम लोग से यही आप लोग से निवेदन है कि इतना जल्दी उतना जल्दी खिला दीजिए। कहीं जो है अब देख सकते हैं, इन्होंने जिलाधिकारी से सीधा साफ तौर पे इन्होंने एप्लीकेशन के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। रिपोर्टर, मैं डीएम साहब के गेट के पास। एक महिला है, बच्चों के साथ आई हुई है। क्या महिला के अंदर दर्द है? इनके पति गए थे कमाने, जो है वो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, जौनपुर में दुबई गए थे कमाने। क्या लगता है दुबई में कैसे फंस गए हैं, इससे बात करते हैं। क्या लगता है कैसे कि आपके पति क्या हुआ था? मैं कमाने के लिए आया ना, किसी तरह से कैसे ये भी थोड़ा दिक्कत में हुए, बीमार हो गए हैं, फंस गए हैं, हमको जल्दी बुला लीजिए इंडिया, इसलिए मैं यही बात करके आए। क्या अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ? डीएम साहब से बातचीत हुई थी, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, उनको बात किया तो कर ठीक है, हम एप्लीकेशन भेज देंगे विदेश मंत्रालय के पास, उससे बात करेंगे। ये बताइए, आपका परिवार जो है इतनी दुखी स्थिति में है और आपके पति ने, पति नहीं है, पति वहाँ पे कमाने गए हैं, दो रोटी के लिए, कमाने के लिए, पेट के लिए वो चले गए थे वहाँ पे, तो क्या लगता है कि सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे पति की जितना जल्दी उतना जल्दी बुला दें, हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत करते क्या उनको बुलाएंगे बुलाएंगे, वो दर्द जो है बहुत, हमारे बच्चे रोते हैं, बहुत करते हैं कि मम्मी पापा कब आएंगे, पापा का बच्चे लोग को क्या बताएं, जो हमारे पति है वही बाहर है कमाने खाने को, वही फंस गया, मैं किसके सहारे रहूँगी, किसके सहारे बच्चे को खिलाऊ खिलाऊंगी। हम लोग से यही आप लोग से निवेदन की कहीं कहीं जो है अब देख सकते हैं, इन्होंने जिलाधिकारी से सीधा साफ तौर पे इन्होंने एप्लीकेशन के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। बच्चों के साथ आई हुई है, परिवार के साथ हुई है, एक पति दूर होने जाने के बाद इनकी जो है जिस तरह से दर्द को बयां कर रही है, कहीं कहीं एक सवाल है, देख सकते हैं इनके अंदर जो दर्द है, कहीं कहीं शासन प्रशासन से ये अपील कर रही है कि मेरी बात सुनी जाए, ताकि मेरे पति जो है एक दूसरे कंट्री में है तो कहीं ना कहीं यहाँ आए, ताकि जो परिवार का जो भविष्य है अंधेरे में है। ये प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है, प्रशासन इनकी बात सुनेगी तो देख सकते लाचार है, ये महिलाएं भी हैं, महिला हैं, उनके बच्चे भी हैं, तीन जो है कहीं कहीं लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंची, ताकि इनको एक न्याय मिले, पति न होने के कारण जो है इनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार। जय हिंद, जय भारत।